स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो संजीवनी में देखिए कैसे मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशानी अमन आशा के साथ पहुंच जाती है चौल में, जहां आज बाप्पा विराजमाने हैं। ईशानी और आशा जब चौल में एंट्री करते हैं तो पहले तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ एकदम मेले के जैसे सजा हुआ दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो एंट्री करते हैं चौल के अंदर, तो वो वहाँ की गरीबी को देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ के लोग इतनी गरीबी में भी कैसे इतने ज्यादा खुश हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि ईशानी जिस बच्चे के लिए गिफ्ट लाती है वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसके साथ जो बाकी बच्चे थे उनके लिए थोड़ा सा अफसोस करने लगती है। वो ये सोचती है कि उसे और भी कई सारे गिफ्ट लाने चाहिए थे, ताकि एटलीस्ट वो अपनी तरफ से इन बच्चों को थोड़ा खुशी दे सके। वेल, शो में आप ये भी देखेंगे कि आज पहली बार ईशानी सिड की मॉम से मिलने वाली है, और सिड भी यही चाहता था, क्योंकि वो चाह रहा था कि ईशानी किसी न किसी तरह उसे अपनी मॉम से मिलवा सके। वेल, सिड का ऐसा सोचना कहीं ये सारा इशारा तो नहीं कर रहा कि सिड को धीरे धीरे ईशानी से प्यार होने लगा है? वेल, सिड का ऐसा करना कहीं ये प्यार का साइंस तो नहीं है? क्या सिड और ईशानी को आप एक साथ देखना चाहते हैं? वेल, क्या कुछ है आपकी राय, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये तो हुई बात सीरियल संजीवनी की, लेकिन टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।